जी के बच्चे हो तो पुड़िया बांधते थे उस समय आपके पिताजी ने पुड़िया में कितना धन दिया था। जगदानंद सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला किया है और 2020 के विधानसभा के चुनाव की यादें दिलाई है। कहा कि पुड़िया बांधने वाले के पुत्र हैं नीतीश कुमार, उनके पिता वैद्य थे और जब पुड़िया बांधते थे उस वक्त कितना पैसा कमाते होंगे, नीतीश कुमार के पास इतना पैसा कहां से आया, पुड़िया बांधने में अगर इतना पैसा है तो सोच लीजिए कि जनता के बीच कहां से पैसा जा रहा है, चुनाव के वक्त वो इतना पैसा क्यों बांटे, जनता के बीच पैसे बांटने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जगदानंद सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर नीतीश कुमार पर हमला किया है और उनके पिता पर भी इशारों में बातें कही है। क्या कुछ कहा है जगदानंद सिंह ने, किस तरीके से हमला किया है नीतीश कुमार पर, वो हम आपको सुनाते हैं। आप एक बता दो, त्यागी नीतीश कुमार हो तो सैकड़ों करोड़ रुपया तुम कहां से चुनाव में खर्च करते हो? यदि तुम त्यागी हो तो हर घर घर में जाके हजार दो हजार एक एक मतदाता को पैसा कहां से देते हो? आप बता दो, आप वैद्य जी के बच्चे हो तो पुड़िया बांधते थे उस समय आपके पिताजी ने पुड़िया में कितना धन दिया था? माफ करना, मैं सब कहता नहीं, आज मुझे कहना पड़ रहा है। या आपके पास कितना खेत और जमीन है जिसकी पैदाइश पर आप जिंदा हो? क्या सवाल उठाते हो? सब अपने बारे में तो बता दो। जब तेजस्वी इसी तरह एक जनता के सहयोग से हेलीकॉप्टर से इस 20 का चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो 12 हेलीकॉप्टर का चुनाव का पैसा कहां से आ रहा था? कहां से आ रहा था? किसी का जवाब दे दो तो मालूम हो जाएगा कि ईमानदार तुम हो, ईमानदार तेजस्वी है या ईमानदार मोदी, चाहे दोनों मोदी में कौन है। दबका जनता के सामने तुम्हारे लूट के पैसे दिख रहे हैं और तुम कागज पत्र कोर्ट कचहरी की बात करते रहते हो दिन भर। अरे इस बिहार को आगे बढ़ने दो, विश्वास है गरीबों का। क्यों मैं लालटेन के पीछे बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं? हम लालटेन युग में नहीं जाने वाले हैं, वो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन लालटेन जिनके घरों में आज भी जलता है उसको भी हम आश्वस्त कर रहे हैं। लालू जी, राबड़ी जी और राष्ट्रीय जनता दल और उसके आज के नेतृत्व करता तेजस्वी, झोपड़ियों में सड़क के किनारे रहने वालों, जिनके छत छाया पर छत नहीं है, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, जिनके पेट भूखे हैं, जिनके दिमाग में ज्ञान की आज भी रोशनी नहीं चल पा रही है, हम इसी लालटेन की शपथ लेकर कहते हैं, हम कभी आपको निराश नहीं होने दिया था, हम आगे भी आपको निराश नहीं होने देंगे। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि अभी भी लालटेन युग है, अभी भी लोग गरीब हैं और उनके बारे में नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। जब आपके पिता वैद्य थे उस वक्त पुड़िया बांधते थे तो कितना पैसा कमाते होंगे, सोच लीजिए। या तो आपके पास पहले से कोई ज़मीन तो नहीं, जब आपके पास इतना कुछ है तो कहां से आया। ये तमाम सवाल आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूछा, वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को सराहनीय बताया। कहा कि ये गरीबों की पार्टी है और जनता के बीच हमेशा जाते हैं और आज भी झुक्की झोपड़ी वाले लोग लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। तो कह सकते हैं कि जगदानंद सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, वो तो हमने आपको सुनाया ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें दस डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें दस डी न्यूज़।